Hello friends, so today we talk about one of the best and cheapest lens for all beginner photographers, whether you use Sony, Canon, Nikon and any other brand. This is best for everyone, 50mm f1.8. I have Canon 50mm f1.8 and I want to share some pictures clicked from Canon 50mm f1.8. Then I explain why 50mm f1.8 is best for beginner photographers. F1.8 is a prime lens. Means aap iski focus length change nahi kar sakte, aapko frame banane ke liye aage peeche hona padega apne subject ke according. Iska ye benefit hai, isse beginner photographers ko frame banane ki knowledge aa jati hai. F1.8 aperture honi ki wajah se aapko manual mode use karne mein easy hoga, because agar aap kit lens use karte ho to uski focus length change karne ke sath sath aapka aperture bhi change hota rehta hai. जो 3.5 से 6.5 के बीच में वेरी करता है, इससे फोटोग्राफर मैनुअल मोड की सेटिंग्स को सही से एक्सप्लोर नहीं कर पाता है। बट वहीं पे 50mm f1.8 आपको वो एडवांटेज देता है ताकि आप मैनुअल मोड को सही से यूज़ कर सको। इसके साथ ही f1.8 अपर्चर आपको ब्लर इफेक्ट बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है, जिससे आपकी फोटोज एक प्रोफेशनल लुकिंग देती हैं। एंड लास्ट प्राइस, हर कंपनी का अपना अलग प्राइस है, बट हर कंपनी के प्राइस के हिसाब से ये बहुत चीप है। अगर आप कैनन में जाते हो ये आपको 8 से 10 हज़ार के बीच में मिल जाएगा। अगर आप निकॉन में जाते हो ये आपको 15 से 10 के बीच में मिल जाएगा। अगर आप सोनी में जाते हो ये आपको 15 से 20 के बीच में मिल जाएगा। बट हर कंपनी में उनके अदर लेंसों के हिसाब से ये बहुत चीप है और आपको अच्छी खासी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे आपके लिए ऐसी और वीडियोज़ लाता रहूँ। बाय।